जैसे आपके हृदय में बात है कि अर्थ और आराम की व्यवस्था, इसमें छुपा हुआ सुख, हमारे अंदर जो चाह है वो अर्थ की नहीं है, वो सुख की चाह है। हमने माना अर्थ से भोग सामग्री मिलती है और भोग सामग्रियों के भोगने से सुख मिलता है। हम मूल में पहुंचे, हम सुख पूर्वक रहना चाहते हैं। आराम का मतलब तो सुख पूर्वक रहना चाहते हैं, निश्चिंत रहना चाहते हैं, हम निर्भय रहना चाहते हैं, हम निःशोक रहना चाहते हैं, हम हर समय आनंद में रहना चाहते हैं। इसीलिए हम अज्ञान के कारण ऐसा मान लिया कि हमारे पास पर्याप्त अर्थ हो, भोग सामग्री हो, तो मैं निर्भय रह सकता हूं, निश्चिंत रह सकता हूं, सुख पूर्वक रह सकता हूं। समझ रहे ना, इसमें कोई अलग बात तो नहीं लग रही? पर अर्थ में और भोग सामग्री में है ही नहीं। अर्थ एकत्रित करके कोई निश्चिंत रह सके? अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाली भोग सामग्रियों से कोई सुख का अनुभव करके कृतकृत्य हो सके, निश्चिंत हो सके, निर्भय हो सके, निःशोक हो सके, ऐसा आज तक एक उदाहरण भी नहीं है। हमारी अंदर की जो कामना है वो शाश्वत शांति, शाश्वत सुख की है। अज्ञान के कारण हम अर्थ और भोग सामग्री में वो ढूंढ रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसी वासना से आप वृंदावन आ जाइए। जब वास्तविक अनुभव होगा तो अपने आप ये छूट जाएगा, ये वासना हट जाएगी। इसमें कोई वास्तविक सत्य बात नहीं है। जो पावर है वो वृंदावन वास है, वो अपने आप संभाल लेगा। और हमारी जैसी शरीर की मांग है, जैसे हमारे मन की मांग है, वृंदावन कल्प तरु है, वो हमें ऐसे ही रखते हुए अपनी प्राप्ति करा देगा। वो कोई असमर्थ थोड़ी। जीवन में जो जो कामनाएं भक्त करता है, आगे चलकर ना चाहने पर भी प्रभु उसे सामने दे देते हैं, फिर उसकी अरुचि हो जाती, उससे हटाकर आगे बढ़ा देते हैं। बहुत करुणा में हम ऐसे हो जाए, शरण में हो जाए, वो सब संभाल ले। अब मैं वास कर पाऊंगा कि नहीं, ये थोड़ा सा सुधार करने की बात है। मैं मर चाहे जाऊं, चाहे जितनी भारी विपत्ति आ जाए, मैं वृंदावन नहीं छोड़ने वाला है, इसमें तो आना पड़ेगा। ये निष्ठा ले लो, बात आगे की सब समझ जाएगी। अगर पता नहीं रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा, चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा, ये अविश्वास संशय इस मार्ग में नहीं। संशय आत्मा विनश्यति, दृढ़ निश्चय। अखिल लोगों का पालन करने वाले जो प्रभु है, मैं उनके बल से कहता हूं कि मैं वृंदावन का अखंड वास लेता हूं। मैं उनके बल से कहता हूं मैं आपका हूं प्रभु, मेरे में तो बल नहीं। तो प्रभु अपने भक्त की बात पूर्ण करने के लिए अपना बल लगा देते, क्योंकि उसने बल का आश्रय लिया। जैसे कई बार चर्चा में कहा है कि अंगद को उठा के फेंकने की सामर्थ्य रखने वाले हजारों राक्षस आते रावण की सभा में, ऐसा ना समझे, लेकिन राम प्रताप सुमिरिपन रूपा, भगवान के प्रताप का स्मरण करके पैर अड़ा दिया तो 10-10 हजार वीर एक साथ लगे, हिला नहीं सके अंगद के पैर को। बस याद है ना, श्री हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है, हरिवंश सु सर्वस्व है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। हम अपने इष्ट, अपने गुरु के प्रताप के बल से कहते हैं कि हम वृंदावन धाम को नहीं, हमारी सामर्थ्य नहीं, लेकिन उनके बल से कहते हैं, तो वो बल हमारी रक्षा करेगा, वो बल हमारे वचन को पूर्ण करेगा। हमें सामर्थ्य नहीं, लेकिन किसी महासामर्थ्य के बल पर हम ऐसा कहते हैं, मेरे बल से वृंदावन लाने। विश्वास के बिना भक्ति नहीं, भक्ति के बिना विश्राम नहीं। बिन विश्वास भगत नहीं, ते बिन द्रवेण राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। ये विश्वास करना है।